दोस्तों, आज मैं इस चैनल को आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी जो 2011 मॉडल है, मैं उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब करें और साथ हमें बेल बटन जरूर दबाएं। बेल बटन से जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। और दोस्तों, मेरा एक और जो वेबसाइट है उसकी मैं लिंक लगा दूंगा, आप उसमें देखकर अपनी राय जरूर दें कि क्या सुधार करना चाहिए, क्या सही है। जो मैं इंटरनेट से जो अर्निंग करता हूँ मैं उसके बारे में मतलब उसमें वेबसाइट में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरा एक और ब्लॉगिंग चैनल है ओपी ब्लॉग देसी, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें क्या है, मैं कहीं भी जाता हूँ, जो भी ब्लॉगिंग करता हूँ उसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है। जो मैं कहीं गया घूमता हूँ, जो भी इनोवा गाड़ी है 7 सीटर की है, तो उसकी मैं अच्छी मतलब जमीन से अच्छी चलती है, मतलब उसकी स्पीड और इंजन सीसी जो अच्छा है दिया गया है। तो आइए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। ये रही टोयोटा कंपनी की इनोवा, इसकी माइलेज जो है ये डीजल फ्यूल में है और ये 2494 सीसी की है, और इसमें 7-8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये वाइपर मिल जाता है, ये और 2 वाइपर सामने मिलते हैं, एक पीछे मिलता है, जो मैं आपको हर उसमें जानकारी में बताऊंगा। और ये 5 इंजन, ये ग्लास देखने के लिए मिल जाती है, और ये टायर मिल जाता है काफ़ी अच्छा, ट्यूब वाला टायर मिलता है, और एलुमिनियम के टायर मिल जाता है। और ये डीजल में और मैं दौड़ पीछे मैं आपको और दिखाता हूँ। और इसकी लंबाई 4480 mm है, चौड़ाई 1770 mm है, और ऊंचाई 1755 mm है। ये पीछे की लाइट ब्रेक दबाते ही जल जाएगी, और ग्राउंड कंडीशन 176 mm है, व्हील बेस 2750 mm। ये पीछे वाइपर टोयोटा कंपनी का लोगो, और इसमें 2 और 5 मिल जाते हैं ये वाइपर, और ये सेंसर, ये टोयोटा का लोगो, यहाँ नंबर प्लेट 2S 2.5 की बेजी मिल जाती है, ये राइट साइड की लाइट और जी, और टोयोटा इनोवा की बेजिंग ये लिखा हुआ है, और नीचे साइलेंसर मिल जाता है यहाँ पे। ये पीछे का मैं काफ़ी अच्छा स्पेस दी गई है जमीन से वो चलने के लिए, और काफ़ी अच्छे वाइपर दिए गए हैं, 2 आगे 2 1 पीछे, एक टोयोटा का लोगो। और मैं अंदर खोल के दिखाता हूँ, ये डीजल को मैं बता चुका हूँ। इसमें आप 55 लीटर फ्यूल भर सकते हैं मतलब वहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छी वाइपर ग्राफिक दी गई है। ये एक बॉटल होल्डर मिल जाता है 1 लीटर, और सामान रखने के लिए, और ये ग्लास अप डाउन करने के लिए मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी दी गई है, और लॉक अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पे एसी दिया गया है पीछे सीट के लिए, और ये पीछे सीट आज आप यहाँ कर सकते हैं, और इधर का ये पीछे की सीट तीनों पीछे बैठ सकते हैं। और ये लाइट हैलोजन लाइट मिलती है, सामने डैशबोर्ड, एसी सिस्टम काफ़ी अच्छा दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम के लिए भी आता है, और टोयोटा कंपनी का लोगो मिल जाता है, हॉर्न वहीं पे मिल जाता है, ड्राइवर सीट के पास 4 कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं ग्लास अप डाउन करने के लिए, ये पीछे वाले सीट के लिए ग्लास अप डाउन करने के लिए, और ये गियर और एक्सीलेटर क्लच और ब्रेक मिल जाता है वहाँ पर। और एसी सिस्टम काफ़ी अच्छा दिया गया है, ये लेफ्ट साइड वाला ग्लास अप डाउन करने के लिए, 4 विंडोज में ग्लास अप डाउन करने के लिए मिल जाएगा, और ड्राइवर सीट के पास ग्लास अप डाउन करने के लिए मिल जाएगा, 4 स्विच आप ड्राइवर सीट के पास कर सकते हैं। और वाइपर और इंडिकेटर की लाइट मिल जाती है, हेडलैम्प की आप पासिंग कर सकते हैं, वाइपर चलाने के लिए लाइट मिल जाती है, और एसी काफ़ी अच्छा दिया गया है इस, और डैशबोर्ड के वहाँ पर मीटर स्पीड और फ्यूल मिल जाता है मीटर, और म्यूजिक सिस्टम सामने मिल जाता है, आप म्यूजिक बजा सकते हैं, 12 वोल्ट तक चार्जर मिल जाता है, और यहाँ पे सामान मिल जाते हैं कुछ रखने के लिए, और चार्जिंग सिस्टम मिल जाता है इसमें मोबाइल चार्ज करने के लिए, और ऊपर पकड़ने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे भी ग्लास अप डाउन करने के लिए वहाँ पर थोड़ी स्पेस दी गई है,
और दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।